जितना अडानी को दिया गया है उतना में भारत का हर नागरिक करोड़पति हो जाता है। क्यों शामिल किए हेमंत विश्व हर बार तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख की तरह झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। खुजलाइएगा सर, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई गरीबी कितनी बढ़ गई है तो बताओ, बाप जी हमारे चाय बेचते थे, गलम चाय, गलम चाय, तो 80,000 का मशरूम क्यों खा दे। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? ईमानदारी की बात बताइए। आप वो प्रवक्ता की तरह ड्रग दो ड्रग दो, जब अडानी के बोर्ड पर 30,000 ड्रग आता है तो ले ही नहीं रहे। देखिए गोबर एक क्या है, ऑलराउंडर चीज है, खेत में पड़े तो खाद हो जाता है, चूल्हा में पड़े तो ईंधन हो जाता है, दिमाग में पड़े तो अनभक्त हो जाता है। दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। और मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अखिलेश यादव के कोठी पर गंगा जल का छिड़काव हुआ तो क्या पिछड़ों का अपमान नहीं? संसद मार्ग पे मौजूद है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहब की जयंती है। बाबा साहब की जयंती पर हम लोगों ने सबसे बात किया, सबकी भावनाएं जानी कि बाबा साहब को लेके वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंकज त्रिपाठी जी, इनसे पूछेंगे कि आप बाबा साहब की जयंती को इतने साल हो चुके हैं, इतने साल से मनाते आ रहे हैं, आप लोगों को क्या बोलेंगे? मतलब नहीं समझे, मतलब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जितना मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए किया है बाबा साहब ने? बाबा साहब के आदर्शों पर ही देश चल रहा है और बाबा साहब का जो संविधान है उसी संविधान पर देश चल रहा है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो। बाबा साहब ने कहा कि इंसान के लिए धर्म बना है, धर्म के लिए इंसान नहीं बना है। मतलब समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की है, तो निश्चित तौर पर उन आदर्शों पर चलना चाहिए। और बाबा साहब ने सीधा सा बात कहा कि जब जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं वो अपना बुद्धि विवेक खो देगा, बुद्धि विवेक खो देगा तो सब कुछ खो देगा। आपने धर्म की बात कही और आप जाति से ब्राह्मण भी हैं और आप धर्म की बात करते हैं। फिर ये आप लोगों को RSS का एजेंडा चलाना होता है। हम लोगों को RSS बिल्कुल, आप लोग RSS के एजेंडा को चलाते हैं। बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत आप बता दो, आप भगवान बुद्ध को मानते हैं ना? आप बाबा साहब को मानते हैं। अरे भाई भगवान बुद्ध को नहीं मानते? हम बाबा साहब को भी मानते हैं, भगवान बुद्ध को भी मानते हैं। अरे भगवान बुद्ध को नहीं मानते? हाँ मानते हैं। तो मानते तो पांच। आप ये बताइए कि धर्म मैटर नहीं करता? सुन तो लो, बुद्ध भी एक धर्म है ना। आप बुद्ध धर्म? अरे सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, सुन लो पहले बात। हम बिहार से आते हैं, बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, उनके पंचशील के सिद्धांत को बता दो। आप ये बताइए, अरे भाई हम पूछ रहे हैं, बता दो पत्रकार हो कि क्या हो, आप पत्रकार हो कि क्या हो, आप जब धर्म की बात की है कोई भी धर्म सुन ले रहे हैं। फिर वही बात, दिल्ली तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। खुद भगवान बुद्ध ने कहा लोभ क्रोध निंदा ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। आप फिर उसी पर शुरू हो जाते हैं, जब भी आप निंदा करेंगे, भाई सुन ही नहीं रहे, जब भी आप किसी की निंदा करेंगे वैमनस्यता फैलेगी। आप निंदा मना करें, आप कौन सा धर्म क्या है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, सब अपना अपना मानेगा। आप जब भगवान बुद्ध की बात कहते हैं तो भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलिए। अरे भाई सवाल लीजिए, आप बिल्ली की तरह रास्ता काटते रहिए। आपने कहा बाबा साहब अम्बेडकर, अरे भाई सुन रहे, ये पूरा देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। हम भी देश में रहते हैं, हम कोई पाकिस्तान में तो है नहीं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे। कल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे कुछ लोग। कौन सा? कल हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र क्या बनना होता है, हिंदू राष्ट्र जिसमें हिंदुओं, भाई क्या होता है हिंदू राष्ट्र, क्या होता है मुस्लिम राम मंदिर बनेगा, जहाँ कोने कोने पे मंदिर रहेगा। अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। राष्ट्रपति किस धर्म से आता है? अरे जब प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, राज्यपाल हिंदू है, SP हिंदू है, DGP हिंदू है, कलेक्टर हिंदू है, तमाम अधिकारी हिंदू है, तब पानी पीने के लिए हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? उस समय हिंदू नहीं है। हाथरस की घटना, बलात्कार होती है, हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू राज्यपाल के होते हुए मिट्टी का तेल छिड़क के जला दिया जाता है, उस समय हिंदू नहीं है। आप ये देखिए, ये सब चीजें नहीं कही। लोग आ तो रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तो कर रहे हैं। अरे सुन ही नहीं रहे, विकृत मानसिकता के लोग, वो कोई भी कट्टरता किसमें आती है? जो पागल होते हैं, समझो, जिसमें मानवता होगा वो कट्टरता की बात नहीं कहता, वो इंसानियत की बात कहता है।
और मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, कोई धर्म चोरी करना नहीं सिखाता, कोई धर्म घोटाला करना नहीं सिखाता, कोई धर्म देश को बेचना नहीं सिखाता, कोई धर्म आप देखा है, मानवता की बात कीजिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म पाखंडवाद को बढ़ावा देता है। पाखंड हिंदू धर्म क्या कहता है कि पूजा करो। अरे हिंदू धर्म क्या कहता है, पूजा से बच्चा पैदा हो जाएगा। हाँ, हाँ। हाथरस की घटना में हिंदू धर्म नहीं था, राजस्थान में जालौर में जो पानी पीने की घटना हुई उसमें हिंदू धर्म नहीं था, दिल्ली कैंट में जो मंदिर के प्रांगण में पानी के लिए जो वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ हुआ वहाँ हिंदू धर्म नहीं था, त्रिलोकपुरी में घटना हुआ वहाँ हिंदू धर्म नहीं था। आप बताओ ना, बीजेपी नेता के द्वारा 12 किलोमीटर घसीटा गया जिस दलित समाज की बच्ची को, तो क्या वहाँ हिंदू धर्म नहीं था? ये देखिए क्या है कि वो लोग कट्टरता की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात कहते हैं, जिनका अपना कोई लेना देना नहीं है। रावण के बारे में आपने भी सुना होगा, रावण अगर अपने वेशभूषा में जाता, राजा वाला पोशाक में जाता, तो क्या वो माँ सीता का अपहरण कर पाता? नहीं कर पाता। तो उसने क्या किया, अपना चोला बदला। क्या किया? अपना वेशभूषा बदल लिया, भगवा में गया, साधु बनकर गया। तो लोग धर्म के नाम पर ठग ठगौती का काम होता है। धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है, धर्म एक सभ्यता है, और जब ही सभी धर्मों को पढ़ेंगे, देखिए सौभाग्य की बात है कि हम बिहार में जन्म लिए, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, वहाँ भगवान महावीर की जन्मस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है, वहाँ फुलवारी शरीफ है, वहाँ बिहार शरीफ है, मतलब सारे धर्म वहाँ हमने देखा है। तो हिंदू धर्म दलितों को कहाँ मानता है हिंदू? वाल्मीकि जी कौन थे, वेद व्यास जी कौन थे? अरे इसका मतलब उसको जानकारी नहीं है, आप समझो। अगर उसको जानकारी हो, मंदिर में कोई भी है दलित, दलित पुजारी है, दलित को पुजारी बनाएंगे। सुन तो लो, मेरा ननिहाल है भाई, सुन तो लो, सुन नहीं रहे, यही बीमारी है। आप वो प्रवक्ता की तरह ड्रग दो ड्रग दो, जब अडानी के पोर्ट पर 30,000 ड्रग आता है तो ले ही नहीं रहे, जाओ ना चर्चा करो ना उसका। आप देश में अडानी के फ्रॉड पर बात नहीं करते, आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तो हमने नेपाल को देखा, अब मुस्लिम राष्ट्र हमने पाकिस्तान को देखा, हमको वैसी जलालत जिंदगी नहीं जीनी है। आप हिंदू राष्ट्र भारत को देखेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देखेंगे, हम समता मूलक समाज की बात करेंगे, जहां बकरी और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते हों, हम वैसा राष्ट्र देखना चाहते हैं। हम ऐसा राष्ट्र नहीं देखना चाहते जहां आपको देखकर हम घृणा करें, हमें देखकर आप घृणा करें। ये देश विश्व वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, ये देश मानवता का पोषक है। सवाल का जवाब दीजिए, राम मंदिर में कोई दलित पुजारी बनेगा क्या? आप क्यों नहीं बनना चाहिए, बनाएंगे आप? अरे भाई माँ सीता कहाँ थी? है सुनिए ना, ये बात जो हमसे पूछ रहे हैं, आपको मोदी जी का इंटरव्यू लेने में डर लग रहा है, आपको एजेंडा मिला हुआ है। माँ सीता जब गर्भवती थी तो महर्षि वाल्मीकि जी के कुटिया में थी, वहीं बच्चों को जन्म दी, तो जाहिर सी बात है वहाँ वो पानी भी पी रही होंगी, वहाँ खाना भी खाती होंगी, ऐसा तो है नहीं कि भूखे रहें। तो कहाँ ये धर्म में सिखाया आप बताओ ना, आप ये आप आरएसएस के कैसे मारपीट हो रहा है, कैसे लोग मार रहे हैं, दलित मर रहे हैं पानी पीने के लिए। सुन तो लो, ये आपको आरएसएस का पर्चा मिला हुआ है, आप उस पर्चा को पढ़ के बात कर रहे हैं। आप जाइए भाजपा के कार्यालय में, हिंदुस्तान में तो किसी पत्रकार का नसीब अच्छा है नहीं, कुत्तों से भी बदतर स्थिति है। एक ही इंटरनेशनल पत्रकार है अक्षय कुमार, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, आप उसे पूछ ही नहीं रहे। अब तो डॉक्टरेट की भी उपाधि हो गई नरेंद्र मोदी जी की। अरे आप तो ब्राह्मण है ना, अरे भाई ब्राह्मण है तो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप दलित को पुजारी बनाएंगे। अरे भाई कौन मना कर रहा है, हम तो भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, सारे इंसान बरोबर हैं। अगर आप में हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर पूछिए, क्या महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा, निषाद राज की प्रतिमा क्या राम मंदिर में लगेगी? क्या सभी मंदिरों में योग्यता के आधार पर पुजारी होंगे? सबसे पहले ब्राह्मण ही विरोध करेंगे। भाई कौन करेगा, सब विरोध लिख के दे दूं, लाओ कलम। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ब्राह्मण विरोध नहीं करता। आप जब मंत्री बनते आप कहते हैं मैं पिथलता वेता हूँ, तो संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रख दो, हमने कब मना किया? ये वैमनस्य, आप मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को आप क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आप गुणगान कर रहे हैं।
बता दीजिए मोदी जी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है? अरे भाई आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए मोदी जी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल है? अरे भाई पूछने रहे। अच्छा अगर मोदी जी हिंदू होते, हिंदू धर्म में आपने बात की ना, तो रामचंद्र जी सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, तब प्रधानमंत्री जसोदाबेन को क्यों छोड़ दिए? वो तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म में पत्नी को तो छोड़ा नहीं जाता है। मांग में सिंदूर भरना कोई रस्म और रिवाज नहीं है, अग्नि के साथ भरे भाई। अरे पूछ रहे, अब मैं पूछ रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। प्रभु श्री राम जिस माँ सीता के मांग में सिंदूर भरे, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, उसके लिए रावण का वध किया, आज जसोदाबेन जी अपनी पत्नी को छोड़ दिया, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही, ये कौन सा धर्म है? और नरेंद्र मोदी जी की माँ मरने के बाद, सुनिए सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी मुंडन क्यों नहीं कराया अगर माँ के करने के बाद? देखिए धर्म की कोई बात नहीं है, ओबीसी समाज के नेता है, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अरे भाई ओबीसी, सुनिए एक मिनट, आपने ओबीसी समाज की बात की, कितने ओबीसी समाज को इन्होंने डॉक्टर बनाया, कितने ओबीसी दलितों को इन्होंने आईएएस आईपीएस बनाया। आप लेटरल एंट्री ला के और आउटसोर्सिंग ला कर तो आपने आरक्षण खत्म करने की व्यवस्था की है, आप उसको खत्म कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ ना, सारे डिपार्टमेंटों में आउटसोर्सिंग के जरिए आरक्षण के सुविधा को खत्म किया जा रहा है, तो अब लोगों को जितनी ये संगठन लगा रखे स्टॉल, इन सब लोगों को एक होकर लड़ना चाहिए, मेरा तो यही बात है। अब लेटरल एंट्री के तहत जो लोग डायरेक्ट आईएएस बन रहे हैं तो उन लोगों पर रोक लगना चाहिए। एक सवाल और, आपने अभी मोदी जी की पत्नी के बारे में कहा, उसी तरीके से तो राम ने भी अपनी पत्नी को त्याग दिया था समाज के कहने पे। देखिए परिस्थितियां अलग अलग हैं, प्रजा ने कहा तो एक राजा का धर्म था। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को नेहरू जी आके कह दिया था कि हम जाके कह दिए थे हम प्रजा हैं, बात वो घुमाइए नहीं, जिलेबी मत बनाइए, बात सवाल कीजिए प्रधानमंत्री के डिग्री पर। और अडानी जो किंग ऑफ फ्रॉड है, को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, कौन बोला? डिग्री का कोई नेशनल इशू है ही नहीं, ये बेमतलब का इशू बनाया जा रहा है। इतना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहा है, आज प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन हो रहा है, आप केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं, केजरीवाल की तरफ से आए हैं? कोई केजरीवाल की बात नहीं, सुनिए देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि अडानी के पोर्ट पर ड्रग्स का कारोबार हो बार बार। देखिए गोबर एक क्या है, ऑलराउंडर चीज है, खेत में पड़े तो खाद हो जाता है, चूल्हा में पड़े तो ईंधन हो जाता है, दिमाग में पड़े तो अनुभक्त हो जाता है। यही 5 ग्राम कोडियल क्रूज जहाज पर केपी घोसावी भानुशाली पूरा एनसीबी का अधिकारी बना हुआ था, अडानी के पोर्ट पर बार बार, ये विकास है इनका? ये विकास है ना भाई, कि जो सेल कंपनियां निगरानी के लिए कंपनियां थी, आइए ना भाई साहब, अडानी के फ्रॉड के बारे में बताइए ना कि आखिर अडानी को ही लोन क्यों मिला? आप लोग बदनाम कर रहे हैं मोदी अडानी के नाम। सुनिए अगर ये अडानी फ्रॉड का जांच करा लीजिए, जितना अडानी को दिया गया है उतना में भारत का हर नागरिक करोड़पति हो जाता। आपको पता रहे हिंडनबर्ग चूल्हे में जाए, मैं नहीं मानता हिंडनबर्ग को, मैं ये मानता हूँ कि नीरव मोदी मेहुल चौकसी देश का पैसा लेके भाग गया और ये चौकीदार कहाँ सोता रहा? क्या गांजे भूख के सोता रहा? आप चाहे बताइए ना, अडानी ने जिन जिन बैंकों के पैसे लिए वो पैसा ले लिया, आज इनको 10,000 रुपया बैंक से लोन मिलेगा, इनको 5,000 मिलेगा, इनको 2,000 मिलेगा, आखिर क्यों उनके पैसे एनपीए में डाले गए? कॉल स्कैम रॉबिस जॉब्सन के, फिर वही बात, विरोध कर लीजिए लेकिन आएंगे मोदी जी। आप लोगों के पास चार चीजें बात है, आप आएंगे मोदी जी हैं? आएंगे तो मोदी जी आएंगे पक्का, घर पर मौत बोल देना, ये बात बहुत पिटाई लगेगी, घर पर बोलना ये चीजें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, अमित शाह कहते हैं, अमित शाह कहते हैं। आप एक महिला की नजर से सोचिए, अनमैरिड है, मैरिड है, अनमैरिड है, आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले आपको? ईमानदारी की बात बताइए, जो शादी करके छोड़ दे आप चाहेंगे? आप महिला हैं, सम्मान करते हैं हम आपका, आप बता दीजिए। एक भाई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा हो, एक बाप नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद हो, जो घर में रहने लायक नहीं है वो देश अगर लेगा तो क्या हाल होगा? आप चाहेंगे कि आपका जीजा नरेंद्र मोदी जैसा हो? नहीं, मैं पूछता हूँ, अभी आपकी सिस्टर से शादी करे उसको छोड़ दे? अरे कैसी बातें, बेतुकी बातें कहते हैं, इससे लुआई नहीं संभली, देश नहीं संभल रहा है, और बात करने चले हैं कि बड़ा महान है, चाइना ने कई जगहों के नाम बदल लिए, अब कोई कुछ होगा, लोग हमको ऐसा कह रहा है, अरे क्यों कह रहा है भाई? 8 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी थी, 10 साल हो गए, आप बताओ ना,
20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? आप 20 करोड़ नौकरियां कहां हैं? फिर आप उस पर बात नहीं होती, बात की लग गेहूं दे रहे हैं। अरे भैया आप 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, आपको धन्यवाद करना चाहिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम का। आप खुद कहते हैं बाप जी हमारे चाय बेचते थे, गलम चाय, तो 80,000 का मशरूम क्यों खा दे? 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ हर बार तारीख पर तारीख की तरह झूठ पर झूठ खुजलाइएगा सर, हम ऐसा कर देंगे। अरे भाई गरीबी कितनी बढ़ गई है तो बताओ, आप बताओ, आप जनमानस से पूछो। अब भाई साहब की तो देखिए कोई गलती नहीं है, ये तो देखिए ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। देश पूरा तबाह है, बैंक डूब गए, रेल डूब गए, सेल डूब गया, भेल डूब गया, देश का कोना कोना बेच दिया। अब तो डर लगने लगा है कि लोग बोल नहीं रहे कि देश में ये है, नहीं तो उसको भी बेच देंगे। अब बताइए भाई, ये सब जनता है, हम लोग गरीब के बच्चे को कोई पार्टी टिकट नहीं रहता है। बीजेपी में अगर दूसरी पार्टी को नेताओं को निकाल दिया जाए तो बीजेपी में क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू, अभी शुभेंदु अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, अगर जब बीजेपी में आ गया भाजपा वॉशिंग पाउडर दूध सी सफेदी, इधर से शुभेंदु अधिकारी डाला, इधर से बाप रे ये तो राजा हरिश्चंद्र हो गया। एक नाथ शिंदे, भावना गबली, ईडी सीबीआई, आइए, अरे बता दीजिए अब एक नाथ शिंदे का रास्ता सीबीआई कैसे भूल गई, अब ईडी कैसे भूल गई, अब इनकम टैक्स कैसे भूल गई? सुनिए मैडम जी, ये कह रहे ज्योतिराज सिंधिया, सुनिए ज्योतिराज सिंधिया पर महारानी के खिलाफ ये मुखबरी करता था। अरे भैया आपके यहाँ आया तो देशभक्त हो गया, अब मुखबरी खत्म हो गया। आप सुनिए तो आसाम के मुख्यमंत्री, अरे सुनिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा दागी था, अब बीजेपी में आया तो पाक साफ हो गया। आप देखिए डर और खौफ इसको कहते हैं। कर्नाटक में कई नेताओं के टिकट, कांग्रेस के राज में गलत नहीं होता। अरे भाई हम क्या सुन तो लीजिए, आपने कहा कि कांग्रेस के सरकार में हुआ तो उन कांग्रेसियों को आप बीजेपी में क्यों शामिल किए? हेमंत बिश्व शर्मा, एक मिनट, हेमंत बिश्व शर्मा नारायण राणे दोषी था जब कांग्रेस में था, तब बीजेपी में जमाई क्यों बना लिए? आप उनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिए? आप जनता के बीच में तो आके बताओ कि जब वह बेईमान है तो उसको फांसी पर लटकाओ, उसको मुख्यमंत्री क्यों बना दिए? वाह रे वाह, ये अंधभक्ति धर्म के नाम पर। अरे कोई भी मुद्दा हो बीजेपी को घसीट लाते हैं, आज अंबेडकर की जयंती है बीजेपी को घसीट। आप पत्रकार हैं, सवाल कौन पूछेगा भाई? पूछेंगे अभी भी दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? निश्चित तौर पर छुआछूत खत्म होना चाहिए, पाखंड खत्म होना चाहिए, हम सब इंसान हैं। ये ब्राह्मण जिम्मेदार है। अरे कौन बोला? ब्राह्मण जिम्मेदार है। कौन बोलता है ये बात? छुआछूत कौन करता है? ब्राह्मण करता है। जो भी लोग करते वो समाज के हितैषी नहीं है, देश भक्ति। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी है फर्जी डिग्री के ऊपर, मानहानि के ऊपर, उस तरीके से हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी है, उसने कांग्रेस की सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं बोले, अपशब्द बोले, उस पर मानहानि का केस क्यों नहीं होता है, उसको क्यों नहीं सजा मिलती है, उसकी सदस्यता क्यों खत्म नहीं होती है, ये क्यों मतलब नियम दो नीति से क्यों चल रहे हैं? राहुल गांधी के लिए कुछ और नियम है, पीएम मोदी के लिए कुछ और नियम है, क्यों नहीं होता है ऐसा? और हम भीमराव अंबेडकर की जयंती है, लेकिन अमित शाह जी ने मायावती के लिए क्या प्रयोग किया था, बहन मायावती के बारे में, अखिलेश जी के बारे में क्या कहा था, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बाढ़ आता है तो चूहे भी पेड़ पर चढ़ जाते, बिल्ली भी चढ़ जाते, अखिलेश यादव के कोठी पर गंगा जल का छिड़काव हुआ तो क्या पिछड़ों का अपमान नहीं? रामविलास पासवान की 12 जनपद में मूर्ति तोड़ दी गई तो क्या दलितों का अपमान नहीं? जब नीतीश कुमार का डीएनए पूछा गया तो क्या पिछड़ों का अपमान नहीं? आप वो बात ही नहीं करते। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए जो बार बार अपमान हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री को सुन तो लीजिए, 9-10 साल से शासन में है, जाति का कॉलम खत्म कर दीजिए। 80 साल से
कैसे हो रहा है क्या छुआछूत? हम सब भारतीय हैं, आपके बाप दादा पाषाण काल में जीते थे, जंगली जानवरों को मार के खा रहे थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो क्या हम भी नहीं पहने? अरे धीरे धीरे जमाना प्रोग्रेस किया है, बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान ने शक्ति दी है, तो पहले लोग जॉब में नहीं जाते थे, अब जा रहे हैं, अब फिर से आप खत्म कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, इनसे हम एक एक पंकज श्रीवास्तव है, ब्राह्मण है। श्रीवास्तव कास्ट होता है, कास्ट है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए धर्म साफ साफ कहा है, कर्म ही पूजा है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। निश्चित तौर पर देश में सरकारें किसी भी पार्टी की हो, जो लोग दूसरे दलों को गाली देते हैं तो उन दलों के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल नहीं करना। को छोड़िए, जो दलितों के साथ जो हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? हर एक वो इंसान, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, या हिंदू हो, या मुसलमान हो, जिसके साथ भी अत्याचार होता है, हम पहले इंसान हैं, किसी जाति और धर्म के बाद में हैं। हमने इंसान के रूप में पैदा लिया और ऊपर वाले ने हमें समानता का अधिकार दिया है, और बाबा साहब ने भी समानता का अधिकार दिया है। रामचरितमानस मानते हैं या संविधान मानते हैं? हम तो भारत का संविधान, जितने भी ग्रंथ हैं सभी को दलितों ने लिखा। आप दिमाग पर आइएगा, रामायण भी लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि के बाद रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सूरदास जी लिखते हैं, 5000 लोग लिखते हैं, सबने अपने अपने रूप में व्याख्या की है। जब आप रामायण की बात कहेंगे तो जब महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा है, हम उन्हीं के राज्य से आते हैं, बिहार से। आप उस रामायण को पढ़िए और गोस्वामी तुलसीदास के रामायण में जमीन आसमान का अंतर है। बात यह क्या होता है, अपने अपने हिसाब से आप किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। अभी रामायण सबसे ज़्यादा जरूरी है या संविधान? संविधान। जो लोग रामायण को बोल रहे हैं कि रामायण को राष्ट्र पुस्तक के हिसाब से होना चाहिए। कुछ लोग सांप को मार के खाते हैं तो मैं भी तो नहीं खाऊंगा, कुछ लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं तो मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी ही खाऊंगा। कुछ लोगों में हम नहीं आते ना, वो अपवाद में आता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कीजिए। ज्यादातर देश के लोग भारत के संविधान को मानते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। माफ कीजिएगा, मैंने इनको पंकज श्रीवास्तव के जगह पे पंकज त्रिपाठी कह दिया था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि सब लोग अगर सांप को मार के खाते हैं तो मैं भी तो नहीं खाऊंगा, सब लोग गोबर खाते हैं तो मैं भी तो नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी ही खाऊंगा। हालांकि आज जो है बाबा साहब की जयंती है, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि बाबा साहब ने कितना सुधार किया और आगे सुधार की जरूरत है। किसी ने कहा शिक्षा जरूरत है, और बाबा साहब का एक नारा भी था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हालांकि यहाँ पे सब लोग मौजूद है और सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है, और आप लोग की इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।